आज यहां झारखंड की राजधानी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज झारखंड में हो रहे कार्यक्रम के विशिष्ट रूप से आमंत्रित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित केंद्र सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, रांची के हमारी मेयर साहिबा उपस्थित, यहाँ आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, ग्रामीणों, आदिवासी भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। आज का ये दिन निश्चित रूप से काफी ऐतिहासिक दिन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लगभग 150 साल होने जा रहे हैं आज इस जयंती को, और भगवान बिरसा मुंडा जी के याद में आज हम एक ऐसे जगह पर एकत्रित हैं जहां धरती आबा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। हेलो, जिसको हम हेलो बिरसा कारा या बिरसा जेल से भी जानते हैं। हेलो, आज इस परिसर को एक नया रूप देते हुए, इसको एक ऐतिहासिक चिन्ह बनाते हुए आज इस परिसर का सौंदर्यीकरण और कई राज्य के आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, और इस राज्य के समाज के अगुआ लोगों का एक संग्रहण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को और इस राज्य के अंदर के बीते वक्त को, इतिहास को उन तक पहुंचा सके। इस देश में कई राज्य हैं, उनमें से झारखंड भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस राज्य की इतिहास अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। जब हमारे देश के लोग देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहे थे, उससे पहले से यहां के लोग अपने हक, अधिकार, अपने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। कभी किसी से ये लोग डरे नहीं,
धरती में जन्म लेते ही जीवन हमेशा इनका संघर्षमय रहा है। और कहा जाए कि यह पूरा झारखंड एक वीर भूमि के रूप में चारों तरफ गूंजता है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोने में आप देखेंगे हमारे ऐसे वीर सपूतों ने यहां जन्म लिया। जहां इन लोगों ने अपने को सुरक्षित, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और इस प्रकृति को संरक्षित करने की लड़ाइयां लड़ी है। आज भौतिकवादी युग में हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उससे भी आगे जाने की तैयारी में भी। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे वर्ग रहे हैं जहां कभी किसी के साथ ना कोई भेद, ना भाव, ना ऊंच ना नीच, ना घमंड ना गुरूर, किसी भी तरीके का द्वेष भाव मन में कभी नहीं रखा। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विशेष नहीं कहते हुए आज और भी कार्यक्रम हैं। आज यहां उपस्थित हुए सभी सम्मानित आदरणीय सदस्यों का, यहां उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। दिव्य और सज्जनों, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथाओं को सहेज कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की एक बेमिसाल सी कोशिश है, एक सच्ची श्रद्धांजलि है उनको। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सादर निवेदन होगा कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण करने की कृपा की जाए सर। साथ ही सादर निवेदन मंचा सिंह राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अतिथिगणों से।
बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए इसी पर एक विशेष जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म। ये थी जानकारी भगवान बिरसा मुंडा स्मृति स्थल और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस संग्रहालय का लोकार्पण हमारे लिए बेहद हर्ष का विषय है और हम सब झारखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। माननीय की प्रेरणादायी उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। सर, नमस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ रांची से जुड़े झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अन्नपूर्णा देवी जी, रघुवर दास जी, झारखंड सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर के मेरे आदिवासी भाई और बहन, विशेषकर झारखंड के मेरे साथी जोहार, हागा ओडो मिसी को दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी ताकिना जोनोम नेगरे दिसुम रेन सोबेन होड़ो को आदिवासी जोहार। साथियों, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाएं। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनित अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को, भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी
भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव इन बुझाव एदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हा जाना महा 15 नवंबर हिलो जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाय। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को देश के कोने कोने में सभी आदिवासी भाइयों बहनों और हमारे देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख उनकी दिनचर्या उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा हूं, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक बड़ी भावना की एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। साथियों, आज के ही दिन हमारे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। कुछ समय पहले मैंने जनजातीय समाज के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को संजोने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना का आह्वान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। मुझे खुशी है कि आज आदिवासी संस्कृति से समृद्ध
झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। मैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूं। ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कानू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही, उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथियों, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम पर तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्द गुजरात के राजपीपला में, आंध्र प्रदेश के लांबासिंगी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, केरला के कोझिकोड में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मणिपुर के तामेंगलोंग में, मिजोरम के केलसी में, गोवा के पोंडा में हम इन म्यूजियम को स्वाकार रूप स्वरूप देते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। इन म्यूजियम से न केवल देश की नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इनसे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ये म्यूजियम आदिवासी समाज के गीत, संगीत, कला, कौशल, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैंडीक्राफ्ट और शिल्प, इन सभी विरासतों का संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के, स्वराज के मायने क्या थे? भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर विविधता पर हमला, प्राचीन पहचान और प्रकृति से छेड़छाड़, भगवान बिरसा मुंडा जानते थे कि ये समाज के कल्याण का रास्ता नहीं है। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षकर थे, वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया
अशिक्षा, नशा, भेदभाव, इन सब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, समाज के कितने ही युवाओं को जागरूक किया, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच की ही ये ताकत थी जिसने जनजातीय समाज के भीतर एक नई ऊर्जा फूंक दी थी। जो विदेशी हमारे आदिवासी समाज को, मुन्ना भाइयों बहनों को पिछड़ा मानते थे, अपनी सत्ता के आगे उन्हें कमजोर समझते थे, उसी विदेशी सत्ता को भगवान बिरसा मुंडा और मुंडा समाज ने घुटनों पर ला दिया। ये लड़ाई जड़ जंगल जमीन की थी, आदिवासी समाज की पहचान और भारत की आजादी की थी। और ये इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि भगवान बिरसा ने समाज को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ भीतर की कमजोरियों से लड़ना भी सिखाया था। इसलिए मैं समझता हूं जनजातीय गौरव दिवस समाज को सशक्त करने के इस महायज्ञ को याद करने का भी अवसर है, बार बार याद करने का अवसर है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान जीत हार के तात्कालिक फैसलों तक सीमित इतिहास का सामान्य संग्राम नहीं था। उल गुलान आने वाले सैकड़ों वर्षों को प्रेरणा देने वाली घटना थी। भगवान बिरसा ने समाज के लिए जीवन दिया, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वो आज भी हमारी आस्था में, हमारी भावना में, हमारे भगवान के रूप में उपस्थित है। और इसलिए आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर महसूस होता है। आदिवासी हुदारेया अपना दोस्तूर एनएम सुयाल को सदैव गोम्पे रखा, जो तो न करा, यही काम आज हमारा भारत पूरे विश्व के लिए भी कर रहा है। साथियों, हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है।